जी हाँ किसान भाइयों एवं मित्रों, हम आपको फल उत्पादन में अमरूद में एक नई वैरायटी से आपको परिचय कराते हैं। ऐसे तो अमरूद की बहुत सारी वैरायटियां हैं, परंतु ये जो अमरूद की वैरायटी है जापानी पैटर्न पे है और इसका जो फल है बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। अभी तक के जो फल है उसमें सबसे मीठा है। अभी हम आपको काट के बताएंगे। इसमें एक तो बीज की मात्रा बहुत कम है और स्वादिष्ट बहुत है। हम आपको जब भी मिलेंगे हम आपको अमरूद खिलाएंगे। इसको खाने के बाद आपका विचार बदल देंगे, आप फल लगाने की सोचेंगे। ये देखिए मात्र 6 महीने का पौधा है। ये मेरी ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, 5 फीट की ऊंचाई का हो गया है। और इसमें आप देखेंगे ये फ्रूटिंग फ्लावर और ढेर सारे आ रहे हैं, और जब भी इसकी कटिंग करेंगे इस पर फल आ जाएंगे। ये देखिए मात्र 6 महीने का पौधा है और 5 फीट की हाइट हो गया है। इसी प्रकार देखिए हमने ये मल्चिंग में इसको लगाया था और आज जो फल पौधा है ये इस प्रकार से हो गया, काफ़ी शाखाएं हो गई है और 1 वर्ष में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। अब हम आपको इस अमरूद को काट के बता रहे हैं। देखिए ये देखिए आश्चर्यजनक लाल और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो आप जब खाएंगे जब पता चलेगा, परंतु आप अभी थोड़ा नीचे करो खड़ा टाइप। हाँ यस यस। इसका इसमें बीज की मात्रा बहुत कम है और ये अभी पूरे भारत में धूम मचा रहा है और इसको हम देख रहे हैं। और इसका जो स्वाद है वो बहुत ज़बरदस्त स्वाद है। और रही बात इसकी कीपिंग कैपेसिटी, मात्र 7 से 8 दिन है और अभी तक के अमरूद में अलग टेस्ट है इसका बहुत ही। और आप सोच रहे होंगे ये ताइवान पिंक इतना लाल नहीं होता है, मात्र थोड़ा सा लाल होता है, पिंक होता है, और यह काफ़ी लाल होता है और स्वादिष्ट होता है। पिंक बहुत कम लाल होता है और बीज की मात्रा बहुत होती है। तो आइए किस